हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, तो कैसे हो आप लोग। तो यार ये सोलो वर्सेस डुओ गेम प्ले है, इसमें काफ़ी अच्छे किल्स निकलते हैं। तो नॉर्मल लॉबी होती है, तो हम मिडस्ट्रीम जाते हैं। यहाँ पर उतरते ही हमें मिल जाती है DP 28। तो पीछे से हमारे ना बिल्कुल साथ ही बंदे उतरते हैं। मैं पहले ट्राई करता हूँ कि इन्हें मारने की कोशिश करूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं बाद में लड़ते हैं तो लूट शूट करते हैं। अभी तो मैं ऊपर जाता हूँ, वहाँ पर दूसरी गन पकड़ते हैं। ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा होता है, सामने बोटों की तरह खड़ा देख रहा होता है मुझे, तो इसे मारते। बंदा भी ना सोलो वर्सेस डुओ ही खेल रहा होता है, तो साथ में और बंदे भी होते हैं। तो यहाँ पर हम डीपी रिलोड करते हैं, अपनी 4x वगैरह उठाते हैं। तो मेन में भी बंदे होते हैं, वहाँ से भी हेयरिंग आ रही होती है सामने। इनके साथ देखना, इनके साथ तो मेरी इतनी लंबी चौड़ी फाइट चलती है ना, मतलब नोक नोक वाला सीन होता है इनके साथ। मैं पहले यहाँ पर ट्राई करता हूँ कि मैं इनके ऊपर ना रश कर दूँ, फिर मेन से भी हेयरिंग आ रही होती है, तो फिर मैं रश नहीं करता ना, मेरे पास नेट वगैरह होता है, वो एक ही मोली होता है, वो ज़ाया कर देते हैं, तो फिर ये रिवाइव होते रहते हैं बार बार। मुझे सबसे ज़्यादा डर ना मेन की तरफ से होता है, क्योंकि इस घर में ना 3 स्टोरी में बहुत सारी विंडोज़ होती हैं। मेन से कहीं ना कहीं से गोली पड़ जाती है, तो लेफ्ट ऊपर पहाड़ी से पड़ जाती है, या राइट पर मेन से पड़ जाती है, या पीछे से पिछली 3 स्टोरी से भी अक्सर पड़ जाती है गोलियाँ। तो आखिरकार ये खुद ही फैसला करते हैं कि हम रश करते हैं, तो इनमें से एक बंदा रश करने की ट्राई करता है मेरे ऊपर। इनको हम बहुत गंदा मारते हैं, उसके बाद मेन से हेयरिंग आ रही होती है, तो मेन की तरफ फोकस करते हैं अब थोड़ा सा। अच्छा, इन भाई के साथ तो प्रैंक होता है, यहाँ पर हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं, अपना आईक्यू लेवल। देखना इनके साथ कैसा गंदा वाला प्रैंक होता है भाई के साथ। यहाँ पर मज़े से उन्हें पता ही नहीं होता कुछ। यहाँ पर हम इजी विंडो के यहाँ पर चढ़कर पीक लेते हैं मज़े से। अच्छा अभी नहीं मारते, अभी देखना मारेंगे, एक मिनट देखना, अभी 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 देखना, डरना नहीं है, अभी देखना बस। ऐसे कैसे बाबा जी, ऐसे कैसे। अब यहाँ पर हम अपनी केडी का राज बढ़ाते हैं, मतलब केडी बढ़ाने का राज। बोट मारते हैं अपनी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, कोई 7-8 बोट मारने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी लूट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बोट मारते हैं। काफ़ी ज़्यादा बोट मारने के बाद फिर हम यहाँ से निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोट मारने के बाद हमारे 8 किल हो जाती हैं। तो आगे से ना वो गोलियाँ चल रही होती हैं, तो हम यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा भी किल उठाने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ से हम आगे जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर दो बंदों के साथ तो बहुत गंदा प्रैंक होता है, देखना अभी। बेचारे वो भी सोच रहे होंगे ये हमारे साथ क्या हुआ है, ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं, तो यहाँ पर एक होता है बोट, बोट बोट मारते हैं हम सबसे पहले। तो बोट मारने के बाद यहाँ पर एक और बंदा होता है, तो हम आगे जाते हैं यहाँ पर। तो देखना वो बंदा तो लेटा होता है ऐसे घास में, जैसे हमने उसको देखा ही नहीं भाई, हमने तो देखा ही नहीं, हम तो अंधे हैं भाई, हमने देखा ही नहीं। यहाँ पर मारते हैं तो ये बच जाता है, तो मुझे भी डर लग रहा होता है इससे, तो ऐसे कैसे बाबा जी। तो यहाँ पर हम इसे मारते हैं, फिनिश करते हैं, मगर मुझे ना डर होता है कि इसका दूसरा टीममेट ना हो यहाँ पर, इसे जल्दी से फिनिश करके मैं तो वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागता हूँ। तो यहाँ पर हम अपनी इस मैक्सी किस्म की गाड़ी उठाते हैं, तो आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ वैसे मैं देखता जा रहा होता हूँ कि बंदा ना हो, कोई लेटा वेटा ना हो कहीं पर,
तो यहाँ हम आगे जा रहे होते हैं तो हमें नज़र आता है ड्रॉप, एयर ड्रॉप नज़र आता है। तो एयर ड्रॉप के पास हम जाते हैं ना, तो मुझे वहाँ पर बंदा दिखता है, यहाँ पर बंदा, हाँ मुझे शायद दिखता है यहाँ पर एक बंदा। तो मगर ना मैं वो कर देता हूँ, क्या मतलब मुझे लगता है कि ये बोट वगैरह होगा, नॉर्मल लॉबी है मगर वो बोट होता नहीं है। मुझे ना अभी तक लग रहा होता है कि वो बोट होगा, तो मैं यहाँ पर वैसे सेफ्टी के लिए फिर भी वो करता हूँ, स्मोक करता हूँ अपनी गाड़ी में वापस, यहाँ पे गन रिलोड करके। वैसे हमें ये न्यू वेपन मिली है ना, न्यू MG3, यार ये बहुत ओपी गन है, क्लोज रेंज के लिए बहुत ओपी गन है ये। अभी देखना है ये, यहाँ पर हम मारेंगे ना इन्हें। तो यहाँ से अच्छा, यहाँ वो ना दोनों यहीं पर ही होते हैं, तो यहाँ से हम गुजरते हैं तो एक बंदा फायर करता है हमारे ऊपर। ये देखो ये रहा वो जिसे मैं बोट समझ रहा था। तो मैं यहाँ उतरता हूँ, तो यहाँ पर मैं, मुझे ना इसे डर लग रहा होता है क्योंकि अच्छा प्ले लग रहा होता है ये, तो मैं इतना ओपन नहीं जाता, तो मैं पीछे जाता हूँ, मतलब कवर टू कवर ट्राई करता हूँ। तो ये बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा होता है, मैं इसके ऊपर, तो ये अचानक से सामने आ जाता है मेरे बंदा। अच्छा तो यार मैं बता रहा था यार, ये गन बहुत ओपी है क्लोज रेंज के अंदर भी, और लॉन्ग, अगर तुम इसका रिकॉइल कंट्रोल कर लेते हो तो लॉन्ग रेंज के अंदर भी बहुत ओपी गन है ये। तो अभी वो पीछे ना वो एक बंदे का कैंपिंग कर रहा होता है, मगर बेचारे की किस्मत इतनी गंदी होती है कि बोट आकर उसकी लोकेशन रिवील कर देता है। देखना अभी बेचारे की किस्मत इससे भी ज़्यादा गंदी होती है कि ना उस बेचारे को बोट का किल मिलता है ना वो मुझे मार पाता है। मैं बोट का पहले किल चोरी करता हूँ, तो फिर मुझे ना इसकी लोकेशन नहीं पता होती थी, तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा होता हूँ कि उसकी लोकेशन पता चले मुझे। तो यहाँ पर ना मुझे हल्का सा पिक्सल नज़र आता है, उसको मैं गोली मारता हूँ तो उसे लग जाती हैं गोलियाँ। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब तो रश बनता है क्योंकि काफ़ी गोली लगी है और उसका गन का डैमेज ज़्यादा है। तो यहाँ पर रश करते हैं तो बेचारे को मारते हैं ईजी पीजी। तो यहाँ पर हम इसकी लूट करते हैं, अब पीछे रहते हैं सोलो वर्सेस सोलो वर्सेस सोलो, मतलब मैं समझता हूँ कि 1v2 होगा मगर नहीं, वो 1v1v1 होता है। तो यहाँ पर हम गन रिलोड करके अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं वापस। तो ये यहाँ पर आके हम रुकते हैं, तो हमारे सामने ही बंदा होता है मेरे सामने, मगर मैं डर रहा होता हूँ कि वो दो ना हो, तो इसलिए मैं रुका हुआ होता हूँ। मगर इतने में वो एक बंदा उनका क्रश करने की कोशिश करता है मेरे ऊपर, तो उसके साथ तो प्रैंक होता है बहुत गंदा वाला। देख तो यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद हम आगे निकलते हैं अपनी गाड़ी उठाकर, तो वहाँ पर ना वो नेट्स वगैरह करने लगता है, तो मुझे उसकी लोकेशन मतलब पता नहीं होती पहले, तो मैं पहले गाड़ी घुमाता रहता हूँ आगे पीछे। यहाँ पर आके हम रुकते हैं ना, तो उस बंदे को हमारी हेयरिंग आ जाती है, तो वो बंदा ना हमारे ऊपर नेट्स वगैरह करने लग जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि वो इसके पीछे होगा, क्या कहते हैं पत्थर के पीछे होगा। तो पहले तो मैं यहाँ पर वेट करता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखो नेट्स आने लग जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेट्स आती हैं यहाँ पर। तो फिर मैं पीछे से ना लेफ्ट से फ्लैंक करके जाता हूँ, मगर इस बंदे को फिर भी हेयरिंग आ जाती है मेरी, तो इसके साथ अच्छी फाइट होती है, अच्छा प्लेयर होता है ये भाई। तो यहाँ पर इस भाई के साथ अच्छी फाइट होती है, मगर हम इसे मारते हैं तो चिकन डिनर हो जाता है 17 किल्स के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।